इस तालाब के कीचड़ में काफी सारे भैंस फंसी थी, जिन्हें ये भले लोग बचाने की कोशिश करते हैं। लोगों को देख ये भैंस उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगती है। तभी एक आदमी भैंस की सींग को पकड़ कर खींचने लगता है, लेकिन ये भैंस को सींग से मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, फिर मना करने लगती है। फिर एक गोरा आदमी आता है, सोचती है कुछ अलग करेगा, लेकिन ये भी सींग को पकड़ कर खींचने लगता है। भैंस मुंडी हिलाकर मना करने लगती है। तभी एक आदमी आता है, सींग में पट्टा डालकर खींचने लगता है। भैंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में भैंस को खींच कर बाहर निकालते हैं। भैंस बाहर आकर के भागने लगता है, कुछ दूर जाके रुकता है। तब समझ में आता है कि ये भले लोग हमें बचा रहे थे, फिर थैंक यू कहकर चला जाता है। तभी एक दूसरी भैंस बोलती है, अब मेरी बारी, रस्सी लाओ जल्दी। तुरंत उसके सींग में रस्सी फंसाकर कीचड़ से बाहर खींच कर निकालते हैं। कीचड़ से बाहर आकर भैंस बोलती है, अबे झोपड़ी वाले, ऐसे कौन खींचता है बे। आदमी डर के मारे जीप में जाके बैठता है। भैंस सीधा जाके जीप को टक्कर मारती है। लोगों को लगा कि थैंक यू बोल रही है, लेकिन भैंस अपना गुस्सा उतार रही थी। ये भैंस इतना गुस्सा क्यों कर रही थी, उसको जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब भैंस को खींचा जा रहा था, तब पट्टा में भैंस का एक कान फंस गया था। जब कान को खींचा जाता है, तब कितना दर्द होता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। बाद में लोगों ने एक एक करके सभी भैंसों को कर निकाल लेते हैं, और सभी भैंस जितना दर्द होता है उस हिसाब से जीप को टक्कर मारकर थैंक यू कहती है और चली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।